तो आपने जमीनों से फर्जीवाड़े की खबरें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे शहर से जमीनों के फर्जीवाड़े की कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां फर्जी रजिस्ट्रार ऑफिस खोलकर रजिस्ट्रिया की जा रही थी। हैरत की बात यह है कि जमीन की फर्जी रजिस्ट्री पर नामांतरण भी कर दिया गया, लेकिन जब मूल जमीन का मालिक तहसीलदार के पास पहुंचा तब बड़े गिरोह का खुलासा हुआ। तो देखते हैं जमीनों के फर्जीवाड़े की सनसनीखेज रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। जमीनों के फर्जीवाड़े की कहानी आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की एक ऐसी कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं जहां पर सरकार का रजिस्ट्रार कार्यालय होने के बावजूद भी एक पैरेलल रजिस्ट्रार कार्यालय चल रहा था जिसने न जाने कितनी फर्जी रजिस्ट्रियां कर दी। हालांकि पुलिस और प्रशासन की नजर अब उस पर गई है और उसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुरैना जिले में बीते कुछ महीनों से नामांतरण के लिए फर्जी रजिस्ट्रियां पहुंचने के मामले सामने आ रहे थे। एक केस में अफसर ने इसके आधार पर नामांतरण भी कर दिया। फर्जीवाड़ा करने वाले ने जमीन पर काम शुरू किया तो असल मालिक संदीप गुप्ता के होश उड़ गए। संदीप की जमीन को फर्जीवाड़ा कर किसी उमा परमार को बेच दिया गया था। जानकारी मिली है जिस तरीके से ये जमीन पे वो कुछ काम करवा रहे हैं, जमीन की बिक्री निकाल रहे हैं। हम नामांकन ऑफिस में गए, नामांकन हमारे नाम से था पर पता नहीं वहाँ इनके नाम से कैसे उन्होंने बोला। फिर वहाँ से जानकारी मिली कि उन्होंने नकली रजिस्ट्री के मार्फत नामांकन कराया है पूरा का पूरा। फिर ये कागज मैंने तहसील ऑफिस में दिए, तहसीलदार साहब ने बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करते हुए हमको लेटर इशू किया। मामले के सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने कड़ियां जोड़ी जिसके बाद बड़े गिरोह का पता चला। इनके कनेक्शन रजिस्ट्री दफ्तर से थे जो फर्जी रजिस्ट्री का नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस ने छापा मारा तो 40 फर्जी रजिस्ट्रियां, दर्जनों सील के अलावा रजिस्ट्रार कार्यालय के 2 रजिस्टर भी मिले हैं जिनमें 9 साल पुरानी रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड है। जब शिकायतकर्ता जो जिसकी जमीन थी वो मिला, उसने बताया कि मैंने कोई रजिस्ट्री नहीं की है, तो उसके संबंध में मेरे द्वारा जाँच की गई, जानकारी ली गई तो पता चला कि एक लक्ष्मीनारायण कुलश्रेष्ठ नाम का व्यक्ति है, ये फर्जी दस्तावेज तैयार करता है। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजू कुलश्रेष्ठ के एक साथी वीरेंद्र सिंह भदौरिया के अलावा आनंद शर्मा, विकास भदौरिया, सेलिन सिंगर को पकड़ा है। भदौरिया के मकान में ही फर्जी रजिस्ट्री का कार्यालय संचालित किया जा रहा था। मास्टरमाइंड संजू कुलश्रेष्ठ अभी फरार है, हालांकि उसका परिवार इन आरोपों से इनकार कर रहा है। संजू कुलश्रेष्ठ कोई है जो इस तरह के फर्जी रजिस्ट्रियां तैयार करके लोगों को दे देता है, फिर वो लोग अपने नामांतरण करा लेते हैं। आरोपी फिलहाल पुलिस के कब्जे में है, उससे पूछताछ की जा रही है। बाकी जो मेन मुख्य आरोपी था संजू कुलश्रेष्ठ वो फरार है और मिलते ही उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मतलब ही नहीं, वो रहती नहीं है साथ में, वो यहाँ पे रहते हैं, घर में रहती नहीं है। किसी को पिछले मोहल्ला कोई भी बता देगा, किसी से भी जानकारी ले लो आप, हमारे साथ रहते नहीं ना हमसे कोई मतलब। इस केस की गूंज भोपाल तक पहुंचने के बाद शासन ने कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की। कलेक्टर ने मीटिंग लेकर अफसरों को तमाम दस्तावेज और केस से जुड़े तथ्यों की जांच के निर्देश दिए। फर्जी रजिस्ट्रार कार्यालय में मूल सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने का शक है क्योंकि यहां सरकारी दस्तावेज भी जब्त हुए हैं। कि कुछ उनके यहाँ पे जो सीलें जब्त हुई हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्स रजिस्ट्री के रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले इस प्रकार के जब्त हुए हैं, जिससे लग रहा है कि उनके द्वारा फर्जी रजिस्ट्रियां बनाई जाकर और इस प्रकार की गतिविधि में वो संलिप्त। FIR इसमें हुई है, जो आप विषय वस्तु पूछ रहे हैं ये विवेचना के बिंदु है। मुरैना तहसीलदार हैं, उन पुलिस के साथ में वहाँ पर जब दबिश दी तो वहाँ पर बहुत सारी फर्जी रजिस्ट्रियाँ मिली और उन फर्जी रजिस्ट्री के साथ साथ में बहुत सारे सील मिली हैं जिनसे वो फर्जी रजिस्ट्री तैयार करते थे और ऐसा लगता था कि ये ओरिजिनल है। फर्जी रजिस्ट्रार कार्यालय का सरगना संजू कुलश्रेष्ठ और उसका भाई रजिस्ट्रार कार्यालय में काम करते थे। कहा जा रहा है कि भाई की मौत के बाद संजू कुलश्रेष्ठ ने जल्दी पैसा कमाने की चाह में एक गोरख धंधा चुना। फिलहाल पुलिस को मुख्य आरोपी संजू कुलश्रेष्ठ की तलाश है जिससे पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। पुलिस और प्रशासन की तफ्तीश में अब तक ये पता चला है कि फर्जी रजिस्ट्रार कार्यालय में कोई एक दो लोग नहीं थे बल्कि एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। लेकिन पुलिस को इंतजार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का है जिसके बाद सिलसिलेवार तरीके से खुलासा हो पाएगा कि उसकी रैकेट से कितने लोग जुड़े थे और उन्होंने अब तक कितनी फर्जी रजिस्ट्रियां कर दी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गोरी, IBC 24 मुरैना। तो आखिर मुरैना का फर्जी रजिस्ट्रार कार्यालय कैसे काम करता था ये भी जान लेते हैं। तो रैकेट से जुड़े लोग ऐसी जमीन की तलाश करते थे जिस पर सालों से किसी की नजर ना रही हो, यानी जमीन बंजर, पट्टे की या फिर सरकारी हो।
जमीन को चिन्हित करने के बाद उसकी पुरानी रजिस्ट्री और दस्तावेज रजिस्ट्रार कार्यालय से निकालते थे। रजिस्ट्री गुम होने पर रजिस्ट्री ग्रंथ के रिकॉर्ड से ही रजिस्ट्रार कार्यालय से दूसरी रजिस्ट्री निकालती थी और रजिस्ट्रार कार्यालय की ये रजिस्टर किसी अधिकारी या कर्मचारी की साठगांठ से ही फर्जी रजिस्ट्री करने वालों के पास आए। गिरोह के लोग असली स्टाम्प और उन्हीं कागजों का इस्तेमाल करते थे जो रजिस्ट्रार कार्यालय में उपयोग होते थे। लिखा पढ़ी और सील भी बिल्कुल असली की तरह ही लगाई जाती थी। फिर गिरोह के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री की जाती थी। गिरोह के लोग कुछ समय बाद नामांतरण करा देते थे और नामांतरण के बाद खसरे में फर्जी रजिस्ट्री वाले का नाम अंकित हो जाता था।